नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है वो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है और कभी इनडायरेक्ट। तो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो पोजिशन ऑपरेटर है एक्स, उसको कभी तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि वो जो पोजिशन स्पेस में कैसे लिखा जाएगा और जो इन मोमेंटम स्पेस में क्या होगा उसका रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह जो मोमेंटम ऑपरेटर पी है उसको हम पोजीशन स्पेस में कैसे लिखेंगे और मोमेंटम स्पेस में कैसे लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे CUET है और जो अगर एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपको एक गिवन हो सकता है कि पोजीशन ऑपरेटर है एक्स, तो उसको हम मोमेंटम स्पेस में कैसे लिखेंगे। या हो सकता है कि आपको जो मोमेंटम ऑपरेटर पी है वो गिवन हो और वो पूछे कि इसको हम पोजीशन स्पेस में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जो ऑपरेटर एक्स है, जो पोजीशन ऑपरेटर एक्स है, उसको यदि आपको पोजीशन स्पेस में लिखना है तो वो एक्स होता है। लेकिन यदि उस जो पोजीशन ऑपरेटर है उसको यदि आपको मोमेंटम स्पेस में लिखना है तो वो कहता है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल पी। उसके बाद है पी मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर को यदि आपको पोजीशन स्पेस में लिखना है तो वो केवल पी होता है। लेकिन आपको मोमेंटम ऑपरेटर पी है उसको यदि पोजीशन स्पेस में लिखना है तो वो क्या होता है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। आपको ये तो पता ही है कि पी क्या होता है, पी जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो क्या होता है एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये तो हमें पहले से पता होता है कि मोमेंटम ऑपरेटर को हम पोजीशन स्पेस में ऐसे लिखते हैं, और जो मोमेंटम ऑपरेटर पी है उसको यदि मोमेंटम स्पेस में लिखना तो वो पी होगा, हो गया। उसके बाद जो पोजीशन ऑपरेटर एक्स है उसको यदि जो पोजीशन स्पेस में लिखना तो वो एक्स होगा। लेकिन ये आपके पास जो एक्स है वो है जो पोजीशन ऑपरेटर, यदि आपको इसको मोमेंटम स्पेस में लिखना है तो आप क्या कीजिए कि जो आयोटा है एच कट है, यहाँ पर तो आयोटा माइनस है क्योंकि यहाँ पर नीचे होता है, तो हम पता है कि जो नीचे है वो आयोटा नहीं रख सकते, तो हम यहाँ से हमने आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो ये हो गया। जो मोमेंटम स्पेस में लिखना है यदि पोजीशन ऑपरेटर को, तो वो सिंपली क्या होता है आयोटा एच कट डेल अपॉन, यहाँ पर पोजीशन जो मोमेंटम ऑपरेटर उसको लिख रहे हैं हम पोजीशन स्पेस में, यहाँ पर पोजीशन ऑपरेटर है उसको हम लिख रहे हैं मोमेंटम स्पेस में, यानी यहाँ पर क्या होगा डेल पी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो यदि ऑपरेटर उसको उसी स्पेस में लिखा जा रहा है तो वो डायरेक्ट वो होता है। जैसे यहाँ पर एक्स है पोजीशन ऑपरेटर, यहाँ पर एक्स मोमेंट जो पोजीशन स्पेस में है, उसी तरह यहाँ पर पी है आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर, ये है पोजीशन जो मोमेंटम स्पेस में, लेकिन ये है मोमेंटम ऑपरेटर, इसको हमने लिखा है पोजीशन स्पेस में। तो ये एक्स है पोजीशन स्पेस, जो पोजीशन ऑपरेटर है इसको लिखा हमने मोमेंटम स्पेस में। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। हम जानते हैं कि पी होता मोमेंटम ऑपरेटर तो होता है एच कट अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, जिस स्पेस में लिखा है उसी तरह हो। यहाँ पर आयोटा की जो माइनस आयोटा वो कैंसिल कर, हम यहाँ याद रख सकते हैं यहाँ पर मोमेंट जो पोजीशन ऑपरेटर उसको यदि मोमेंटम स्पेस में लिख रहे हैं तो जो माइनस आयोटा की टर्म वो नहीं आती। तो ऐसे आप इसको रख सक याद रख सकते हो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर कभी कभी क्या एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि आपको जो पोजीशन ऑपरेटर है एक्स गिवन है उसको आपको मोमेंटम स्पेस में लिखना है, तो चार ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, या हो सकता है कि जो मोमेंटम ऑपरेटर भी है उसको पोजीशन स्पेस में पूछ सकता है चार ऑप्शन देकर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।